आचार्य प्रमोद कृष्णम ने शनिवार को कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा है। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इतने बड़े चुनाव में अपनी पार्टी को वोट नहीं दे सका। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व को पुनः मूल्यांकन और आत्मचिंतन करना चाहिए। जिस पार्टी ने देश को आजादी दिलाई उस पार्टी के सारे बड़े नेता जहां वोट डालेंगे वहां पर हाथ का निशान नहीं। उन्होंने कहा कि विपक्ष एकजुट नहीं है, विपक्ष तो एक दूसरे को गाली दे रहा है, कमरा बंद होता है तो एक दूसरे को गरियाते हैं। 4 जून के बाद समाजवादी पार्टी वाले कहेंगे कि हमें कांग्रेस ने हरा दिया, कांग्रेस वाले कहेंगे हमें आम आदमी पार्टी ने हरा दिया, और आम आदमी पार्टी वाले कहेंगे कि हमें सबने मिलकर हरा दिया। सब एक दूसरे को बस गाली देने का काम करेंगे। टन टना टन 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 टारा, पूरा विपक्ष बंटा धारा, कहीं कोई नहीं जा रहा है। सुपड़ा साहब जमानते जब्त, और जो थोड़ी बहुत कसर रह रही थी तो स्वाति जी ने स्वाहाकार कर दिया। सातों की सातों सीटों पर कमल खिलेगा। मोदी जी काशी से सबसे ज्यादा वोटों से जीतेंगे, पिछले दोनों रिकॉर्ड तोड़ेंगे। मुझे लगता है कि मोदी जी का नारा जमीन पे उतर आया है। अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। पूरा देश इस समय राष्ट्र और धर्म के पथ पे चल रहा है। इस देश को अगर एक रखना है, इस देश को अगर विश्व गुरु बनाना है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्ग है, वो मार्ग है नरेंद्र मोदी का मार्ग।